जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर रोमचो और आप हमारे चैनल डॉक्टर रोमचो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आप हमें इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हम आपको निशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवा सकें। बिल्कुल निशुल्क ज्योतिष परामर्श, पता आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वहाँ पर आप भेज सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और बात है दोस्तों कि मोटिवेशनल वीडियो की सीरीज़ भी जारी हो रही है, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो भी जारी आपके लिए हो रहे हैं, तो आप उन्हें भी देखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे घड़ी का महत्व। मुझे बहुत से कमेंट्स मिलते हैं, गुरु जी घड़ी कैसे रहे, क्या रहे। तो दोस्तों, आपको बेसिक जो बातें मैं बताऊंगा आप उन्हें अपने जीवन में अपनाएं, आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहली और मुख्य बात होती है, कभी भी किसी व्यक्ति से घड़ी ना ले, घड़ी स्वयं के पैसे से खरीद कर ही पहने तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्ती यारी में हम करते हैं, कोई दोस्त को दोस्त की घड़ी अच्छी लगी हमने निकाल के पहन ली, दोस्तों दोस्त हमारा है सब अच्छी बात है, लेकिन किसी की घड़ी नहीं पहनना चाहिए। वो आपके लिए और आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। दूसरी, कभी भी अपने घर में बंद घड़ी ना रखें, किसी भी प्रकार की, चाहे वो है हाथ घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, वॉल घड़ी, वॉल वॉच, कोई भी घड़ी हो उसे बंद ना रखें। तीसरी बात यह है कि घड़ी का कांच यदि फूटा हो, टूटा हो, क्रेक हो कहीं से भी, तो उस घड़ी को आप या तो कांच बदला लीजिएगा, नहीं कांच बदला सकते हैं तो नई घड़ी, सामान्य सी कोई अच्छी घड़ी, सामान्य सस्ती घड़ी जो भी आपको लगे वो घड़ी आप ले लीजिए। बंद घड़ी भी घर में कभी ना रखें तो रखना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उन्हें भी उपयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, पांचवी और सबसे पांचवी बात दोस्तों की, घड़ी हमेशा कभी भी दक्षिण मुख, जैसे दक्षिण दिशा की ओर घड़ी का मुंह ना रखे तो अच्छा नहीं होगा। पांचवी मुख्य बात है कि कभी भी दक्षिण मुख, दक्षिण दिशा की ओर घड़ी ना रखे। सातवीं बात जो कि घड़ी किस दिशा में रखे, तो घड़ी कभी भी या तो पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए या पश्चिम की ओर मुख होना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो पश्चिम, पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि पृथ्वी जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है, यदि आप पूर्व की ओर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस विषय पर चर्चा से आप सोच रहे हो कि घड़ी से और हमारे जीवन से क्या लेना देना है, तो एक आपको बात बता देता हूँ कि जिन जातकों के घर दक्षिण दिशा में घड़ी है, कोई भी व्यक्ति आप उठा के लीजिए, हाँ शर्त यह है कि उनके घर में अन्य घड़ी किसी अन्य दिशा में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर केवल साउथ, साउथ की ओर ही है। उन जातकों को आप खुद एनालिसिस कर लीजिए, उनके जीवन को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे, लेकिन न जाने क्या होता है, समझ नहीं आती, तो आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। एक और सबसे मुख्य बात है घड़ी के नज़रिए से, मैं घड़ी के महत्व में सबसे मुख्य बात यह है कि दोस्तों, घड़ी कभी भी दरवाजे के पीछे ना लगाए, दरवाजे के पीछे कभी घड़ी ना लगाए, उससे दरिद्रता हमारे घर में आती है और वो बिल्कुल अच्छा शुभ संकेत नहीं। घड़ी ऐसी जगह ना लगे, सार्वजनिक जगह, जैसे आपके जहाँ भी घर में ऐसी सार्वजनिक, जहाँ हर व्यक्ति जो आएगा आपका भारी उसे भी घड़ी दिख जाए, ऐसा ना रखे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि 15 से 20 दिन में बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।